Today's video is on no credit. Good morning, friends. मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो है एक बिजनेसमैन के लिए, एक फैमिली के लिए और एक समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ये मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उधार प्रेम की कैची है। लेंडिंग इज द सीजर ऑफ लव, उधार प्रेम की कैची है। आप कहीं भी जाते हो तो लिखा रहता है नो क्रेडिट, लेकिन आप उसको बहुत लाइट लेते हो। तो उस वीडियो पर आने से पहले हमारा भी फैमिली है, हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मेरे हाथ में आप जो देख पा रहे हो इसको स्पंज रबर बिलिंग के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हो स्पंज रबर बिलिंग के नाम से जाना जाता है। आज इंडस्ट्री में इसका काफी डिमांड है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसका जो स्पेसिंग ग्रेविटी होता है 0.75 से लेकर के 1 स्पेसिंग ग्रेविटी होता है। जो वाटर का जो स्पेसिंग ग्रेविटी होती है, डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 होती है। स्पंज बिलिंग उसी को बोला जाता है जिसका स्पेसिबिलिटी 1 और इक्वल 1 या 1 से नीचे हो, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है उसको ही हम स्पंज बिलिंग बोलते हैं। तो संध्या फ्लेक्स ब्रांड आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट को नजर देखते हुए मद्देनजर आपके लिए हर एक साइज का स्पंज बिलिंग बनाता है। 2 mm से लेकर के 100 mm तक अभी तक संध्या फ्लेक्स ने बना करके मार्केट में दिया है। जैसे जैसे डाया बढ़ती है उसका लेंथ जो है कम होते जाता है। मिनिमम आपको 10 मीटर से लेंथ से लेकर के आपको 100 मीटर तक का बनता है, डिपेंड ऑफ द साइज। स्पंज रबर बीडिंग में डायमेंशन जो होता है काफी डायमेंशन होती है। कोई राउंड में बोलते हैं उसको स्पंज कॉर्ड बोलते हैं, और स्पंज रबर बीडिंग में कोई बोलता है हमको स्क्वायर रबर बीडिंग चाहिए तो उसको स्क्वायर में दिया जाता है। लेंथ इनटू विड्थ जैसे 25 बाई 20 25 बाई 20 25 बाई 20, तो बहुत सारा इसमें साइजेज रहता है। और कभी भी आपको कहीं भी किसी सर्कल में, किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी इंडस्ट्री में आपको अगर जरूरत पड़े तो संध्या फ्लेक्स पर जरूर आप कांटेक्ट करिए। हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflexrubber.com और दूसरा मेल आईडी है sandhyarubber@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com और वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9652998932 और 9550921831। अब हम आपको लेके चलते हैं, आज उस सब्जेक्ट पर लेके आते हैं कि हर एक बीमारियों का जो जड़ है जिसको सुधारना इंडियन मेंटालिटी के लिए चैलेंज बन गया है। हम चाहते हैं सुधारना, हम बीमारी से बचना चाहते हैं, लेकिन हम बीमारी की तरफ फंसते जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस जो है। स्ट्रेस जो है सब बीमारियों का जड़ होता है। स्ट्रेस से इंसान के जो डाइजेशन शक्ति जो होती है वो काम नहीं करती है। हम कुछ भी खाते हैं वो डाइजेशन शक्ति स्ट्रेस के वजह से नींद नहीं आती है, जो हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। आज की जनरेशन को
बचपन में ही चश्मा दे दिया जाता है, क्योंकि उनका माँ बाप से वो बीमारी पैदा होती है। उनका माँ बाप इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं। हैंडीकेप्ड बच्चे क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि उनका माँ बाप जो है स्ट्रेस में ही वो फर्टिलाइजेशन जो एक्शन करते हैं स्ट्रेस में आके करते हैं, तो जो आने वाला जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका आँख कमजोर हो जाती है, हैंडीकेप्ड हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। मान ली एक जमाने में डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्थिति खराब थी, नहीं बन पाया। लेकिन डॉक्टरी का हर सब्जेक्ट को मैं पढ़ा हूँ। वो जो जैसा खेत में बीज डालते हो ना सर, फसल वैसा ही होता है। हम मियां बीबी जब मिल करके नए इंसान को पैदा करते हैं, तो किस मूड में हम एक दूसरे से मिलते हैं, वैसा ही हमारा औलाद पैदा होता है। अगर हैप्पी मूड में मिलते हो तो बहुत हैप्पीनेस, इंटेलिजेंट मूड मिलते हो तो बच्चा 100% आपको रिटर्न में देता हूँ कि आपका हैंडीकेप्ट हो गया, कुछ ना कुछ उसका रीजन पैदा होकर निकलेगा। अंडरस्टैंड? तो आपका सबसे बड़ा बीमारी का आने वाला जनरेशन को पैदा करने वाला जो है स्ट्रेस है, उसका क्या रीजन है कि आपका क्रेडिट, आप उधार काम करते हैं। उधार का मतलब क्या है बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको मैं ये वीडियो कोई खेल नहीं है और संध्या फ्लेक्स फ्लेक्स जो है कोई गेम नहीं है। ओके, संध्या फ्लेक्स वो ब्रांड है जो आपका लाइफ ही नहीं, आपका नेटवर्क भी बदल के रख देगा। आप याद रखिए, जब संध्या फ्लेक्स जब आया है मार्केट में, क्वालिटी भी बदल डालेगा और आपका लाइफ भी बदल डालेगा। जरा इस हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो देखते रहिए। आज हम आपको लेकर गए हैं उधार प्रेम की कैंची है। कैंची आप देखो सर, वो कभी काटने का ही काम करती है। उसी तरह से क्रेडिट जो है ना, प्लस का काम नहीं करता है। मेडिकल पर जाते हो तो लिखा रहता प्लस, और जब दो ट्रेन की बोगी के पीछे क्या लिखा था, क्रॉस, इसके आगे आप जाओगे तभी एक्सीडेंट होगा। तो ये सिंबल को ध्यान रखिए भैया, ये जो सिंबल है ना, ये फॉलो मत करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा लालच में आकर के आप क्रेडिट के तरफ से जाते हो। वो जैसे कि एक तालाब होता है, एक नदी होती है, एक समुद्र होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देके बता देना चाहता हूं, आप कर क्या रहे हो लाइफ में। आप अपने जिंदगी को, आने वाला जनरेशन को क्या हैंडीकैप पैदा करना चाहते हो, मेंटल पैदा कर रहे, अंधा पैदा करना चाहते हो। अगर इससे बचना है, एक हिस्टफुट, ए हैंडसम अगर औलाद पैदा करना चाहते हो, ये आज का जो वीडियो है ना, आप जरूर देख लीजिएगा। आने वाला जनरेशन आपका अच्छा पैदा होगा, नहीं तो वही चश्मा लगाया हुआ पैदा होगा, हैंडीकेप पैदा होगा, पैरालिसिस पैदा होगा। आने वाला वक्त मैं बता दे रहा हूं आपको कि इससे बचिए, नो क्रेडिट से, अंडरस्टैंड, और ड्रिंक से भी बचिए। ओके, तालाब होता है, तालाब का मतलब जो वो गरीब लोग होते हैं, तालाब का मतलब वो गरीब लोग होते हैं जो अपने सोच से आगे नहीं निकलना चाहते हैं, अपने रहन सहन से उसी में खुश रहना चाहते हैं। क्या मैं पूछता हूं ऑडियंस को, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, यहां पर तालाब है और नदी है और समुद्र है, किसका पानी पीने लायक रहता है, जरा जवाब दीजिए। किसका पानी आप लोग पीते हो, तालाब का पीते हो कि नदी का पीते हो कि समुद्र का, किसका पानी पीते हो, जवाब दीजिए। नदी का ही पानी पीना सब लोग पसंद करता है, क्योंकि हेल्थ के लिए वो सबसे अच्छा रहता है। क्या समझ में आया, जिसे आप आंध्र प्रदेश में हो तो कृष्णा नदी का पानी पीते हो, और तेलंगाना में है तो आप कौन सा नदी है, गोदावरी नदी का पानी पीते हो, और उत्तर प्रदेश में रहते हो तो गंगा नदी का पानी पीते हो। तो भैया आपको मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जिंदगी
ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, आप किताब ढूंढते रह जाओगे तो जो मैं बोलता हूँ ढूंढ लो किताब, यूट्यूब पर देख लो, किसी किताब में देख लो, नहीं एक A45S का एक एक्सपीरियंस बोलता है। सभी लोग नदी का ही पानी पीना चाहता है, तो अगर आप नदी बनना चाहते हो सर, सबको पानी पिलाना चाहते हो, तो नो क्रेडिट का बोर्ड लगा दो, नहीं तो तालाब बन करके रह जाओगे। समझ आ गया आपको? अगर नदी बनना है, रिवर बनना है, तो नो क्रेडिट का बोर्ड लगा दो अपनी लाइफ में, नहीं तो तालाब बन के जाओगे। और उसके बाद भी आप समझते नहीं हो तो चलते चलते जाके समुद्र में गिर जाओगे। समझ आ गया? नहीं समझ पाओगे तो जाते जाते उस समुद्र में गिर जाओगे, उस बड़ी बड़ी कंपनियां में आप जाके फंस जाओगे जिसका पानी पीने के लायक भी नहीं रहता है। पानी इज वाटर इज एवरीवेयर बट यू कैन नॉट ड्रिंक, व्हाट इज दिस? जब मैं छोटा था ना सर, किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वाटर इज एवरीवेयर बट यू कैन नॉट ड्रिंक, मैं पानी तो हर जगह है मगर उसको मैं पी नहीं सकता, क्या है? बोला समुद्र है। क्या समुद्र का पानी पी सकते हो? बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, बड़े बड़े लोगों को देखो, आप जाओ 100 रुपया मांगने के लिए, क्या वो दे सकते हैं आपको? अंडरस्टैंड? बड़ी इमारतें बनाने वाले लोग गरीबों के पैसे पर राज करते हैं, बोलते हैं कि मैं आप भी ऐसा काम किया होगा लेकिन अभी भी सुधर जाओ, आपके पास वक्त बहुत है। किसी भी रिलेशन में, किसी रिलेशन में मेंटेन करना रिलेशन, तो क्रेडिट का काम मत करो, उसको उधार मत दो। उधार लेने वाला कभी क्यों वापस करेगा? आज भी पैसे नहीं है उसके पास, कल भी नहीं रहेगा, तो आप उसका बढ़ावा दे रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो उधार दे करके। गवर्नमेंट भी तो वही काम कर रही है, बैठे बैठे लोगों को गांव में पैसे दे रही है, आज कंपनियों में काम करने के लिए कोई लेबर नहीं मिलता है, हमसे बड़े बड़े मेहनत करने वाले उसका शोषण करके गरीबों को पैसे देती है, उनको आराम करने के बोलती है, और एक बिजनेसमैन सुबह से 6 बजे सुबह से रात को 12 बजे तक काम करता है। तो हम किधर जा रहे हैं? उस समुद्र की तरफ जा रहे हैं, सबका फोकस समुद्र की तरफ जा रहा है, नदी की तरफ कोई नहीं देखना चाहता। नदी बन जाओ भैया, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। टेक अस इन लॉस, अगर क्रेडिट करोगे ना सर, आप तो बर्बाद हो जाओगे लेकिन आने वाला जनरेशन भी आपका, आपका बीवी बच्चे भी बर्बाद के किनारे चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो पैसे दूसरे के पास चला गया तो आपको वापिस नहीं आएगा, आप कंपनी चला नहीं पाओगे, बिजनेस चला नहीं पाओगे, स्टाफ को टाइम पर पैसे नहीं देगा, एक एक स्टाफ आपको छोड़ करके दूसरे कंपनियां ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, तो आप फिर नो क्रेडिट का ही बोर्ड लगा लो ना सर, आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे, आपका फैमिली भी खुश रहेगा। यू हैव चेंज टू ह्यूमन बींग्स टू डेमन। भैया मानव से दानव बनना चाहते हो क्या? हर इंसान सोचता है कि भगवान के सामने बोलता है कि ओम विश्वानी देव सवितुम दुर्तानी पराशुम यद्र भद्र तनाशुम, ओम विश्वानी देव सवितुम दुर्तानी पराशुम यद्र भद्र तनाशुम। हे सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य देवता, हमारी सारी बुराइयों को दूर हटा दो, जो अच्छाई है उसको हमें प्रेरित करो। यही होता है चाहे कोई भी कौम से हो, कोई भी जात से हो, कोई भी कास्ट से, यही प्रेयर करता है जब सुबह स्नान कर, हे प्रभु हमारे जो भी बुराइयां है उसको दूर हटाइए, जो अच्छाई है उसको हमें प्रेरित करो। तो आज हनुमान जी का दिन है कि लाल देही लाली लसे और धर लाल लंगूर बज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसु।
कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है भैया, तो सबकी नैया पार कराने वाले वही है। अगर हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं मिला, इसलिए जहां भी श्री रामचंद्र का फोटो पूजा पाठ होता है हनुमान जी का जरूर होता है। वैसा संबंध बनाने वाले आज के युग में, कलयुग में बहुत कम लोग हैं। तो भैया अगर आप ह्यूमन है, इंसान है, इंसान ही बने रहिए। अगर आप इंसान से दानव बनना चाहते हो तो क्रेडिट का काम कर लीजिए, उधार दे दीजिए, ऑटोमेटिक आप राक्षस बन जाओगे, दानव बन जाओगे। आपको पैसे की तंगी होगी, आपको झापड़ लगा के बीबी को एक झापड़ लगाओगे सुबह सुबह उठ करके। पैसे की तंगी होगी क्योंकि आपके पास हर कलह का कारण जो होता है, हर फैमिली का टूटना बोले तो, हर फैमिली का बिखरना बोले तो फाइनेंशियल स्थिति होती है। हर कंपनी का चमकता हुआ गेट पर के फॉर सेल लग जाना बोले तो फाइनेंस का ही इश्यू होता है। एक भाई भाई में लड़ाई होती है तो फाइनेंस के होता है, बीबी बच्चों में लड़ाई होती है तो फाइनेंस को लेके होता है। तो भैया पहले भी अगर नो क्रेडिट का बोर्ड लगा दिए होते तो आपको ये स्थिति नहीं आया होता। आप थोड़ा सा लालच के लिए कंपनियों को उधार दे देते हो, बोलता वन वीक में दे देंगे, देखते देखते एक महीना हो गया, तीन महीना हो जाता है, आप किधर जा रहे हो। एक रुपया दो रुपया का परसेंटेज का बिजनेस है, उसमें फंसते चले जाते हो, चंगुल में फंसते जाते हो, उच्च राक्षसों के चंगुल में फंसते जाते हो। फिर तो आपको भी राक्षस ही बनना पड़ेगा, फिर राक्षस बनने के बाद भी आपको पैसे आएगा कि नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है ना सर। इसलिए भैया न तालाब बनिए, रिवर बन जाइए, समुद्र के तरफ तो हाथे मत डालिए, बड़े बड़े लोगों के साथ बिजनेस करना छोड़ दीजिए सर, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए, नहीं तो वो बर्बाद के अलावा आपको साथ देने वाले नहीं है। तो आज का वीडियो आपने देखा, ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।